जय साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर काफी महत्वपूर्ण सेशन पढ़ रहे थे, जहां पे शिक्षण के स्तर के टॉपिक को आज हम लोगों को पढ़ना। और आज के जो टॉपिक शिक्षण कौशल है, जहां सबके परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आते हैं, उसकी थ्योरी की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉपी कलम लेकर इस वीडियो में बने रहिएगा, जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये सीरीज पूरी तरह से आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। आज का जो टॉपिक है शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर की अगर हम बात करें तो शिक्षण के तीन स्तर होते हैं। कौन कौन, ध्यान से देखते हैं। एक है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, और तीसरा यहां पर है चिंतन स्तर। इन तीनों स्तर के बारे में पढ़ना है और जानना है क्या क्या है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। आइए एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल पूछा जाता है कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो आपके विकल्प में अगर तीन आते हैं तो आप उनके मारिए, तीन इसका जवाब सही होगा। कौन सा? स्मृति स्तर, अवबोधन और चिंतन। इन तीनों के बारे में जानेंगे क्या क्या है। स्मृति माने याद करना, अवबोधन माने एक तरह सीखना, ज्ञान अर्जन करना, चिंतन स्तर माने इस पर विचार करना, स्मृति और अवबोधन के आधार पर चिंतन करना। तीन तरह के इसके स्तर होते हैं शिक्षण के। अगर हम बात करें शिक्षण के तीन स्तर का जो नामकरण किसने किया, ये बहुत यूनिक सवाल है। और यहां से सवाल आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। शिक्षण के तीन स्तरों का नामकरण पॉल विगी ने किया। यद्यपि तीनों स्तरों का जो प्रतिपादन है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसके जो अब तीनों स्तर है इनके प्रतिपादन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन जो तीनों स्तरों का जो नामकरण है वो पॉल विगी ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, नहीं तो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्मृति स्तर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि अगर स्मृति स्तर की बात करें तो अभी जो स्मृति स्तर है इसको ध्यान से पढ़ना समझना है कि शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रतिपादक हर्बर्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में आपके पूछा जाएगा, जब बात शिक्षण की होगी, जब बात आपकी सिलेक्शन की होगी, जब बात आपको कल के सरकारी शिक्षक बनने की होगी, स्मृति स्तर की अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य प्रतिपादक है वो हर्बर्ट महोदय है। ये रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये प्रारंभिक चरण भी माना जाता है। ये स्मृति स्तर जो है इसमें क्या होता है, ये पहला चरण माना जाता है, जब बच्चों को बताया जाता है पापा है, मम्मी है, चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी है, तो जो बच्चा देखता है, सुनता है, फिर उसको क्या करता है, याद करने का प्रयास करता है, और उसको क्या होता है, वह उसकी स्मृति स्तर बन जाती है। जैसे मैं कहूं आपके पापा का नाम क्या है, जैसे मैं ये कहा आपके पापा का नाम क्या है, आपके दिमाग में एक चित्र बन गई पापा की। आपकी मम्मी का नाम क्या, मैंने कहा आपके दिमाग में आपकी मम्मी की चित्र बन गई। तो कहीं ना कहीं यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण माना जाता है। यह शिक्षण का निम्नतम स्तर भी है। ये जो शिक्षण होता है ना, यह शिक्षण का निम्नतम स्तर भी है। इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में पहाड़े, वर्णमाला, गिनती आदि याद कराने की प्रक्रिया आती है। जैसे आपने देखा होगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे हम देखते हैं याद कराने की प्रक्रिया आती है। यह प्रारंभिक कक्षाओं में, शुरुआती कक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह शिक्षण का एक निम्नतम स्तर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आई है। हाँ, इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे देखिए, जरूर जुड़िएगा सभी लोग। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, स्मृति स्तर। सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे इसके जानते हैं। हर्बर्ट के स्मृति स्तर में पांच चरण है। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल में सब्सक्राइब करना आपका काम है। हर्बर्ट के स्मृति स्तर में पांच चरण है, ये मोस्ट आईएमपी है। पूछा जाता है कि हर्बर्ट के स्मृति स्तर में कितने चरण है, इसे हम पंचपदी प्रणाली कहते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि पंचपदी प्रणाली किसकी है, तो हर्बर्ट महोदय की है। एक प्रश्न में आपके कई प्रश्न तैयार हो गए। और अब देख रहे हैं सिलेक्शन का स्तर क्या हो रहा है, लगातार ऊपर उठता जा रहा है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं, पद कम हो रहे हैं, इसलिए हर एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। अगला है एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना को हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को आदर्श मानकर तैयार करती है। हम बात करते हैं जब भी कभी पढ़ने की, कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सफलता की कुंजी है। लेकिन आज आपने पढ़ा कि एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना जो बनाती है ना, वो हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली से ही बनाती, उन्हीं को आदर्श मानकर तैयार करती है। एकदम रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक अगले टॉपिक
टॉपिक की तरफ, इसके एक अगले बिंदु की तरफ, सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण होते हैं। सीखने की तीव्रता, जैसे आप सिलेक्शन लेना है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत करते हैं, तथ्यों को पढ़ते हैं, उतनी तेज गति से सीखते हैं। प्रतिधारण की स्थिरता, माने जो आपने पढ़ लिया, जो आपने सीख लिया, जिस पर आपने अपना समय दिया, अब वो आपके दिमाग में स्थिर भी होते जा रहे हैं। वांछनीय तथ्यों को फिर से अनभिज्ञ स्तर पर लेकर आना, माने जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आपके दिमाग में फीड होती हैं, बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या क्या काम किया, मुझे नहीं पता कि आपको पूरे कल का, अगर पूछूं पूरा कल आपने पूरे दिन क्या किया, तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन कुछ अहम बिंदु याद होंगी। क्या आपने किया, कब किसी लड़ाई किया, कब आपने बात किया, कब आपने शिवा को बोला, कब शिवा का कॉल ज्यादा बार आया, कब शिवा का परेशान आपको किया, तो इस तरह के टाइम आपको याद रहते हैं, बाकी टाइम आपको नहीं याद रहते। तो यह आपके दिमाग की सबसे बड़ी खासियत है, इसे हम उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण में जोड़ते हैं। इसके बारे में हम लोग यहां जानने का प्रयास करते थे। वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना ही उच्च स्मृति का मुख्य लक्षण, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा दिमाग जो है ऐसे तथ्यों को ही याद रखता है, इसे हम उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण के रूप में जानते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक के जो कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके सभी तथ्यों को जवाब देने का। आगे बढ़ते हैं, पंचपदी प्रणाली के जो चरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन नोट्स के लिए अगर आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताऊं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप बात करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नोट्स से संबंधित, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में। पंचपदी प्रणाली के चरण की बात करें तो जो पहला चरण होता है वो प्रस्तावना का है। किसका है? प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तीसरा है तुलना। चौथा है सामान्यकरण। पांचवा है अनुप्रयोग। एकदम रट लीजिएगा, क्रम पूछता है आपके परीक्षा में। कई बार ऐसा हुआ कि आपकी जो परीक्षा होती है उनमें क्रम ही सीधा सीधा पूछ लेते हैं, किसके कौन कौन क्रम है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। पांचों चरण को क्रम से याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है ABCD, BCAD, इस तरह से ऊपर नीचे कर देगा और क्रम सजाने के लिए आपके परीक्षा में सवाल देता है। उम्मीद करते हैं यहां तक के कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। पंचपदी प्रणाली के बारे में आगे पढ़ेंगे, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है, तुलना क्या है, सामान्यीकरण क्या है, अनुप्रयोग क्या है। अगर आप रेगुलर क्लास में मेरे बने होंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहां से किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके साथ होने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पंचपदी प्रणाली के विस्तार से अगर हम जानने के प्रयास करेंगे, ये प्रस्तावना क्या है, देखिए एनसीईआरटी इसे ही आदर्श मानता है, जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है इसको अपना आदर्श बनाकर पूरा पाठ्यक्रम, पूरी विषय वस्तु को, पूरी पाठ्य वस्तु को यही से प्रणाली पर तैयार किया गया है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु को संक्षेप में परिचित कराना, अर्थात पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाना। जैसे जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको सिलेबस के साथ ही बताते हैं कौन सी किताब आपके लिए बेहतर है, कौन सा टॉपिक कहां कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मतलब पूरी कहानी को साठ में बताना, संक्षिप्त में परिचित कराना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक ले जाना, यह प्रस्तावना कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, वही प्रस्तावना है। अब आता है प्रस्तुतिकरण। पूर्व ज्ञान शिक्षण सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, जो आपका पूर्व ज्ञान है, शिक्षण सामग्री जो है उसके साथ। जैसे अगर हम आपसे बताएं कि बच्चों को भोजन पढ़ाना है, तो भोजन पढ़ाने में क्या करते हैं आप, बच्चों से कहते क्या खा कर आए हो, कौन कौन खाया है, कौन नहीं खाया है, खाने में क्या खाए हो, क्यों खाए हो, तो कहते सर भूख लगी थी, तो बताया आपने भूख लगने पर जो आपने खाया वो आपका भोजन है। तो बच्चों को पूर्व ज्ञान से आपने कुछ शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया, कुछ टेलन का प्रयोग किया, उसके साथ जो आपने प्रस्तुत किया, बच्चों को परिचित कराया, यह हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, तीसरा टॉपिक है तुलना करना। ठीक, अब तुलना करने में क्या है, यह पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान में तुलना। उदाहरण के द्वारा देखें, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से तुलना करना। जैसे पूछा जाएगा कि अब बताइए किसका घर दूर है, अपने कक्षा के बच्चों से पूछिए, अच्छा मोहन सोहन बताओ किसका घर दूर है, तो बच्चा कहेगा सर मेरा घर इनका आता है, उसके बाद मेरा घर है, या मेरा घर गली में घूम कर है। तो बच्चे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करते समय हमेशा पूर्व ज्ञान का ही प्रयोग करके नवीन ज्ञान में ही हम बदलते हैं, बदल पाते हैं। तो यहां पर तुलना जो होगा, ये पंचपदी प्रणाली का तीसरा सेशन, तीसरा सेक्शन रहा है।
हम बढ़ते हैं इसके एक अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, इसके स्क्रीनशॉट करते चलिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, आपका काम है। अब बात करते हैं सामान्यीकरण में। अगर हम सामान्यीकरण की बात करें तो यहां पर ध्यान देना होगा आपको, सामान्यीकरण में उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। अब सामान्यीकरण क्या करेंगे, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ना शुरू होगा, अर्थात अब इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। सामान्यीकरण क्या होगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा कि भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। बच्चे भोजन तो समझ गए, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हम खेल पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं, डोल पाते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कहां से आता है, भोजन से आता है। अब बच्चों को समझ में आ गया कि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है, अब इसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। इतना ढेर सारा हमने उदाहरण दिया, अब उदाहरण से नियम की तरफ जो बच्चों को लेके चलते हैं, यही हमारा निष्कर्ष निकालना कहलाता है। अब अगला है आपका अनुप्रयोग। सामान्यीकरण हो गया, अब है अनुप्रयोग। आइए अनुप्रयोगों के बारे में भी जानते हैं। ये अनुप्रयोग क्या है, सीखी हुई जानकारी को प्रयोग में लाना, जो सीखी गई जानकारी थी अब बच्चा उसको प्रयोग में लाएगा। अब बच्चे से पूछेंगे पंखा से चलता है, सर लाइट से चलती है। गाड़ी कैसे चलता है, सर पेट्रोल से या डीजल से चलती है। अच्छा खाना कैसे बनता है, सर गैस से। गैस नहीं होगा, नहीं बनेगा, लकड़ी से। तो अब बच्चों को पता चले किसी काम को करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जिससे उससे ऊर्जा मिलती है, अब बच्चा इसका अनुप्रयोग कर पाएगा। यह था हर्बर्ट महोदय जी का पंचपदी प्रणाली। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या इस वीडियो को फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश या इस लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर देख रहे हैं, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आइए कुछ नोट की पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे नोट में क्या है, हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना का विचार सबसे पहले दिया था। हर्बर्ट महोदय ने दैनिक पाठ योजना जो है इसका विचार सबसे पहले दिया था, इसलिए इन्हें दैनिक पाठ योजना का जनक भी कहा जाता है। जी हां मेरे साथियों, इस देश के निर्माताओं, कल के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, इस चीज को ध्यान पर रखिएगा क्योंकि यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इन पांच पदों में सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो प्रस्तुतिकरण था। जी हाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, अगर पहले ही सही से नहीं पढ़ाया पूरी वीडियो छोड़ दो, तो प्रस्तुतिकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका हो, चाहे हर्बर्ट महोदय का पहला पंचपदी प्रणाली का जो पहला हिस्सा था प्रस्तुतिकरण। तो अब बताइएगा क्या आप हर्बर्ट महोदय के इस पंचपदी प्रणाली को समझ लिए, अगर हाँ तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। पाठ योजना ये गैस्टालवादी विचारधारा पर आधारित है। जो एक सवाल पूछा था कि पाठ योजना किस विचारधारा पर है, तो ये गैस्टालवादी विचारधारा पर आधारित है। इन सभी को आप समझ लीजिएगा, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अवबोधन या ग्रहण शक्ति स्तर पढ़ेंगे, यहां पर इसके जो प्रमुख अभिव्यक्ति है, चिंतन या विमर्श स्तर क्या है, ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आज के सेशन में इसको पढ़ लेते हैं। दरअसल क्या है, बैकग्राउंड साउंड थोड़ी सी आ रही है, इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर आप क्लोज करते हैं। इसकी अगली वीडियो आपको लर्निंग विद दुर्गेश की यूट्यूब पर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। टेलीग्राम पर मैं बार बार कहूंगा आप दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, ये नंबर हो सकता है आपके काम आ जाए, इसको रख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आपको डेली के डेली क्लास मिलती रहेगी, डेली से डेली वीडियोज मिलते रहेंगे, ताकि आप भी अपना बेहतर कर सके, ठीक है। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि, सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। e-learning विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398888
83002 पर। एड्रेस जौनपुर, यूपी।